एंड हमारी मैगी हो चुकी है बिल्कुल, आप लोग भी आ सकते हो, दिखाओ जिस्पा जिस्पा में मैगी खाने, तड़के वाली स्पेशल मैगी खाने के लिए। मैंने ना चश्मा लगा रखा है यार, तो क्या है कि मैं थोड़ा ना एंजॉय कर रहा हूँ इस मोमेंट को, इन लोगों को लग रहा है कि मैं ना इस चश्मे के पीछे ना मैं ऐसे करके ऐसे कर रहा हूँ। मोस्ट रोमांटिक बॉय इज मैरिड टू अ मोस्ट अनरोमांटिक गर्ल, पर इन्होंने फिलॉसफी पढ़ी नहीं ना, दुनिया में डॉक्टर सबसे अनरोमांटिक होते हैं। तो ये है हम 12 लाचा, 16,000 फीट पे हम लोग आ चुके हैं, विश भी हमने यहाँ पे ये मांग ली है। सो शैंकी कर रहा है वहाँ पे रेस्ट, हमने अपना सामान धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया है। ये हम निकाल रहे हैं सिलेंडर, जो सारे मसाले वगैरह वो वहाँ पे लेके जा चुके हैं, ये हमने पकड़ा पानी, अब हम वहाँ। पर ये चीज ना आप लोग भी कर सकते हो, जैसे हमने घर से ना जितनी हमें रास्ते में थी हमने पारा बॉटल्स रख दी थी, अब उतनी हमारी यूटिलाइज हो गई, तो यहाँ पे पहाड़ों से फ्रेश पानी जो आता है हम इसको रिफिल करते जा रहे हैं। सो ये आज की हमारी कैंपिंग की साइट तैयार हो चुकी है, अभी मतलब हम यहाँ पे अपना लंच करेंगे। सो मैगी, ऑलिव ऑयल, प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। पुदीना वो मिंट बनाने के लिए ना, मोइतो बनाने के लिए। यार लाल पीली शिमला मिर्च कितने रहेगी? ले आओ ले आओ। और ये पहाड़ों में चॉपर चलाते हुए, और ये सारा हम उठा लेंगे अपने साथ, हम गार्बेज बैग लेके आए हैं, तो जो भी कूड़ा होगा वो हम साथ साथ अपना उठाते चलेंगे। तो पूरी फुल तैयारी के साथ आए हैं हम लोग इस टाइम पे। पहले मैं आपको दिखा दूँ, पेड़ की छाँव में यहाँ पे ऐसे पूरा सेटअप हो रखा है, और ये हमारा बैक व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, और आधे घंटे के अंदर जो सूर्य देव हैं वो छुप जाएंगे, तो ये व्यू और ज़्यादा सुंदर होने वाला है। ये तो मसाला वसाला डाल दिया गया है, तड़के की खुशबू जो है वो आसपास के गांव तक पहुंच रही है, तो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं भी छोटे छोटे, बाय बाय। तो मैगी ना वैसे तो देखो बहुत ज़्यादा खाई है, पर पता नहीं क्यों इस वाली मैगी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है। शैंकी आपका भी मन कर रहा है, जल्दी से बने और जल्दी से तनु। सो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, मज़ा सा आ रहा है, मतलब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऐसे, इससे पहले भाई ऐसे कभी कैंपिंग वगैरह नहीं करी है, ऐसे कभी आराम से रुक के सिलेंडर वगैरह कैरी नहीं किया है, तो ये पहला एक्सपीरियंस है। ओहो मुँह में पानी सा आ रहा है, इतना मैं कभी बेताब मैगी को खाने के लिए कभी भी नहीं रहा हूँ। पिल्लो वगैरह अपना ये दरी सारी चीज़ें लेके चले हैं, इस तरीके से हमने अपनी मसाला दानी बनाई है, ठीक है। अगर हमें रास्ते में जगह ना मिले तो कपोमेनिया भी है उसके लिए, ठीक है। और ये पानी डल चुका है, कभी कभी पानी डलता हुआ अच्छा लगता है, जैसे वो मैगी में, अगर ये अरमानों पर हो तो बहुत बुरा लगता है। देखा मैंने तो अरमान को बोला था, आपने अरमान सुना। ये बिग बॉस इनको काफी पसंद है। हमारी मैगी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है, और जैसे जैसे मैगी तैयार होने वाली हो रही है, ठीक है, पता नहीं अपने आप ही भूख लगनी शुरू हो गई है। शैंकी शैंकी अपना रेस्टिंग फेज पे है, सो जाओ थोड़ी देर आप। तनु गुड गर्ल बन के सारा समेट लो। एंड हमारी मैगी हो चुकी है बिल्कुल, आप लोग भी आ सकते हो, दिखाओ जिस्पा जिस्पा में तड़के वाली स्पेशल मैगी खाने के लिए। सारा तामझाम लेके चले हैं भाई, मैगी मसाला वगैरह बिल्कुल कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, और अभी शूट हो नहीं पा रहा है मेरे से, अभी सिर्फ वो म्यूजिक वाला डालेंगे क्योंकि यार मुंह में पानी आ रहा है। सब ने अटैक कर दिया है मैगी पे।
और मैं कढ़ाई में ले रही हूँ, सिलेंडर प्रोजेक्ट भी काम में हो चुका है। पर बहुत टेस्टी बनी है। कैसी बनी है? मजा आ गया सच में। पहाड़ों वाली मैगी बनी है, पहाड़ों की हवा वो जो है ना वो इसमें घुल गई है। 400 रुपए बचाए आज एक टाइम के, 400-500 ज्यादा। एंड अच्छा सा लंच करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। धूप यहाँ पर थोड़ी सी तेज हो चुकी है, पर अभी बज रहे हैं 4 और 4 बजे के हिसाब से धूप खैर काफी तेज है, लेकिन यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी आगे निकले तो पता चले कि बादल हो रहे हैं, थोड़ी और आगे निकले तो पता चले कि बारिश हो रही है ना शंके। तो अब हमारा अगला स्टॉपेज क्या है? अभी हम 12 लाचा पास क्रॉस करें, 12 लाचा पास क्रॉस करेंगे। रात को स्टे का कहाँ पे सोच रहे हैं? सरचू या दारचा? सरचू या दारचा। फिर यहाँ पे ये होता था कि ड्राइवर जब निकलते थे ना तो उनको बंदा वहां दिखता था कि पानी दे दो पानी दे दो, तो फिर पानी की पानी दे के तो फिर यहाँ पे पानी दे देंगे आज हम भी। ये वाले पहाड़ देखो, मतलब हर एक पहाड़ अपने आप में अलग है। साइड वाले बर्फ है, ये बिल्कुल गंजा है, उधर पूरी ग्रीनरी है। बताओ करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ये सारा नीचे से पानी निकल रहा है ना, ऊपर से जाता था पहले, ये ऊपर से जाता था, बिल्कुल चिल्ड पानी भरना उपासना। और ये पानी फिर जाएगा उसमें नीचे उस वाली खड्ड में। मैंने ना चश्मा लगा रखा है यार, तो क्या है कि मैं थोड़ा ना एंजॉय कर रहा हूँ इस मोमेंट को। इन लोगों को लग रहा है कि मैं ना इस चश्मे के पीछे ना मैं ऐसे कर रहा हूँ। इन्हें पहले सही लगता पर अभी गलत लग रहा है। पहाड़ जो है ना डायरेक्ट दिख रहे हैं, वो चोंदा मार रहे हैं सफेद सफेद ना, सफेद तो है ही नहीं, मतलब जैसे दूर दूर से बादल चोंदा मार। चुप रह कर जा मत बोलेगा, जीजे की साइड ली जाती है ये। तो जो ये वाला है वाटर पासिंग, ये रोड के ऊपर से है नहीं ना। ये स्कॉर्पियो वाला ग्रेड निकल गए। यहाँ पार्टियां चल रही हैं, फैमिलीज रुकी हुई हैं। डीएल नंबर भाई, बच के। सो तनु कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा उपासना आपको? मस्त। मैगी वैगी बनाई मस्त आराम से। तो मुझे ना बीच बीच में थोड़ा बोलते रहना पड़ेगा ताकि सबको लगे कि मैं सो नहीं रहा हूँ। तो यार भाई मुझे गलत समझा जाता है यार। और स्मार्ट है ना, जब काम करने की बारी आती है ना फोन लेके बैठ जाएंगे। मेरी बहुत अर्जेंट कॉल आ गई है, आप दिखाना फोन। कौन सी? अभी किसकी कॉल आई थी बताना एक बार। मेरे को पता है। फिर अर्जेंट नहीं थी जी? जो शाम रात को बर्तन तो आप ही करोगे। अरे भाई मैं सब कर दूंगा भाई, मेरे हिस्से की वो शूट आप कर देना सारा, वैसे वैसे रील और सारा वो मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो ठीक है। थर्ड गिफ्ट।
और रात को बोलो ना जब टाइमली सो जाओ। मैं तो 2 घंटे में नींद पूरी हो जाती है मुझे। और ये तीसरा सोता लगा रहे हैं। ले लद्दाख में सोने का सपना। मेन तो लद्दाख से आगे है भाई। लद्दाख से आगे नहीं, लेह से आगे। लेह से आगे, लेह जाने का ही मजा है जी। तू कौन सी जगह है? बारालाचा पास। बारालाचा पास है? आ गया? आने वाला है बस। हम पहुंचने वाले हैं बारालाचा पास। जीजू ले लद्दाख पहुंच गए हम। आजो ने वाटर क्रॉसिंग ना क्रॉसिंग ये देख रहे भाई सो गए ले लद्दाख वालों। जीजू वो देखने वाली चीज छोड़ दी। देखो बर्फ वाले पहाड़ों पे आ गए हम। जीजू सर घूम रहा है वो। जीजू को दवाई दे दो ना। तो गाइस हमारा एक और लेस का पैकेट फट चुका है और खुशबू भी आ चुकी है लेस की। जीजू आ गई खुशबू? नहीं आ रहा हूँ ऑफिस में। ऑफिस में से ज्यादा बात नहीं करना। किसी से नहीं करनी 7 दिन से ज्यादा बात। से सांस खींचो नाक से छोड़ो। नाक तो सुन हो चुकी है। सीरियसली ऐसे लो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे नाक से खींचो। यार पता क्या दिक्कत हुई है? जो कल दवाई लगाई है ना वो, उसने मेरे को दिक्कत तो तुम भी तो एंड टाइम पे मत लगाते ना, वो दर्द हो रहा है। एक्चुअली क्या है मेरे ना यहाँ से विजडम टूथ जो निकल रहा है उसके ऊपर मास जमा हो गया है, तो मैंने यहाँ पे लगाई दवाई वो जो सुन करने वाली, और उस दवाई ने ना यहाँ पूरी ये और नाक पूरा वो कर दिया, ब्लॉक कर दिया। यार जी जो इतना नहीं है इस वक्ती एटीट्यूड सीखना जड़ी होनी है। हाँ ये आपको होनी है। उसका रीजन ये है कि आप इसे कितने हिल्स में नहीं रहे हो। ये यार सूरज ताल ले। कौन सी है? सूरज ताल ले। सूरज लेक? सूरज ताल ले। सूरज ताल ले। वाओ जीजू देखो सामने। सामने एक बार देखो आप। देखो पहले सामने, सामने देखो। हाँ बर्फ उसमें डाल ले, लेमिनेट बना ले उस बर्फ को निकाल के दूसरे। इसका ये करो ना शूट, वो सामने बैठा हुआ इसका हॉलीडे होमवर्क नहीं हुआ है पूरा अभी, ठीक है ना? जिस हिसाब से चल रहा है इसको 1 महीने की छुट्टी और लेनी पड़ेगी स्कूल से। क्यों ना मारो ध्यान ही दिया था उन्हें। ये वो टाटा की वो गाड़ी लेके आया जिसको टाटा ने खुद बंद कर दिया। ये है सूरज ताल लेक 12 लाख जी। देख लो सूरज, मजा आ गया देख के। बहुत मजा ही मजा। देखने के लिए
अच्छा वाला जिस तरह से शुरू हुए थे आगे आगे नहीं, इसको देखने के लिए रुकेंगे दंबो। वो देखना हैवी हैवी ब्लॉगर हैवी ब्लॉगर। ओ तेरी बात। मत ओ गोली मत चला जा। भाई ये ना कॉलेज में बहुत करते थे यार। एक बार ना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था और हम चार पांच जार थे। एक बार बोल दो गोली मत चलाइयो। नहीं आप आओ ना बाहर आओ। तो ये ना मतलब इतना ज्यादा खूबसूरत है। वो कहते हैं ना कई बार क्या कहते हैं अरुण कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत जो है सफर होता है रास्ता होता है। तो सफर होता है ना वो इंग्लिश वाला नहीं है वाला सफर खूबसूरत होता है। ये तनु कह रही है कि जीजू ये इन्होंने डिस्टेंपर लगा के क्यों छोड़ रखा है। मैंने कहा तनु अभी वो उसमें नमी रहा है। बस ये फटने वाले हैं कैरेमल। तनु कैरेमल तनु इससे पहले ये फटे इसको तुम ही फाड़ दो लो। तनु भाई साहब सभी वहाँ देखो वो पॉइंट पे अब हम रुक रहे हैं। बस कौन से वाले यार ये तो फट भी नहीं रहा। जल्दी वहां से हटो जल्दी वहां से हटो जल्दी वहां से हटो जल्दी वहां से हटो। तेरी मैं भाई देखो क्या हुआ था। मैं यार नींद में था मुझे नींद आ रही थी सांस तो आ रहा था। मैंने झूठ बोला था। मैं पीछे आया मैंने 10 मिनट का पावर नैप लिया मैं फिर से नॉर्मल हो गया। जल्दी वहां से हटो आ जाओ भाई तुम आ जाओ। सो मैं आप लोगों को ना आज एक बहुत बड़ा राज बताने वाला हूँ। मोस्ट रोमांटिक बॉय इज मैरिड टू अ मोस्ट अनरोमांटिक गर्ल। पर इन्होंने फिलॉसफी पढ़ी नहीं ना दुनिया में डॉक्टर सबसे अनरोमांटिक होते हैं। हाँ जी शंकी क्या हुआ कैसे तोते उड़े हुए हैं। अब देखो अब नाउ आई एम परफेक्टली फाइन पावर में पहुंच चुका 10 मिनट का। नहीं पता क्या हो रहा है जैसे आप गाड़ी से एकदम बाहर निकल रहे हो ना चेंज हो रहा है तो 1 मिनट हो रहा है वो सिकनेस का फिर अब को नो सिकनेस एएमएच की अब तो कोई सिकनेस नहीं है बिल्कुल ओके है ओके रिपोर्ट है। तो एक बार व्यू दिखा दो भाई रखे हैं पूरे हनीमून पे। हां भाई स्लीव्स केडी फुल स्लीव्स में पजामा डाल तो सही रहते ना भाई क्या भाई पजामा ही जल्दी निकलेगा फिर तो वेद आयुर्वेद जिंदा। ये है बारालाचा का पॉइंट। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पर भाई बहुत ही बर्फीली हवा चल रही है हाथ पैर बिल्कुल ठर चुके हैं। जूते हम ये वाले पहन के निकल तो गए थे पर पैरों में भी ठंड लगनी शुरू हो गई है। अब हम यहाँ से निकल मजा आ गया भाई देखो 10 मिनट का यार पावर नैप तो ना ट्रोसोमाइड काट दे मैं काट रहा हूं। अब ठीक है यार बस पावर नैप लेना था यार जीजू पावर नैप दी गई फाड़ च ये हले 14,000 फीट ते है इसके बाद तो 17,000 फीट ते जाना फिर 18,500 फीट ते जाना। चलो फिर दे दो भाई जो भी देना है आज भी लेनी कल सवेरे भी ठीक है। हमें ना क्या हुआ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी तो आगे से एचआर वाली गाड़ी आ रही थी तो शैंकी ने बोला कि जीजू अगर पूछ लेते हैं कि हम सही रास्ते पे तो जा रहे हैं सर्चों के लिए तो मैंने कहा पूछ लो भाई। तो कंप्यूटर रुकवाए हमने शीशा नीचे करा तो मैंने कहा भाई यही रास्ता जाएगा क्या सर्चों के लिए। कह रहा भाई पता नहीं हमें तो लोकल नहीं है हम तो बाहर से हैं बाकी ना ही जाओ तो बढ़िया है। मैंने कहा रहे भाई देखो ये ना बर्फ जो पिघल रही है उससे कितनी परफेक्ट ये आकृति बनी हुई है। जैसे अगर ऐसे देख रहे हैं ना ऐसे लग रहा है कि किसी पुतले की शेप में हुई है जैसे देखो बिल्कुल परफेक्ट उसमें आ रखी है। तो ये है हम बारालाचा 16,000 फीट पे हम लोग आ चुके हैं। विश भी हमने यहाँ पे ये मांग ली है आप लोग भी वहीं से देख सकते हो और इसके आसपास का नज़ारा आप लोग देखो और ये देखो मतलब ऐसे हो रहा है। अरुण शैंके तनु हमारी शैडो अरुण जाओ ब्रीदिंग की दिक्कत हो रही है ना देखो पता क्या जैसे बाहर निकलो ना उसके बाद थोड़ा सा नीचे बैठ जाओ फिर सांस स्टेबल हो रहा है फिर चलो।